और हमें बीटों के लिए टेंशन नहीं है। तो इंदिरा गांधी कहीं क्या है महाराज रुकवाइए, मोरारजी देसाई कहें रुकवाइए, और अटल बिहारी वाजपेयी गए उभी रुकवा दिए, मोदी जी भी गए उभी रुकवा दिए। अब भाई कश्मीर में ऐसा माहौल बना दिया ना पाकिस्तान। अच्छा बीटो रख लेना बड़ी बात नहीं होती है, उससे रिलेशन खराब हो जाते हैं बीटो से। देखिए जैसे ईरान मुसीबत में फंस गया, सपोज कीजिए कि ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात कह दिया कि हम आप पे क्या लगाएंगे प्रतिबंध लगाएंगे, सपोज अब ईरान भागे भागे आएगा कि भैया कोई बीटो कर लो। अगर हम ईरान के प्रस्ताव को बीटो करते हैं तो ईरान तो बच जाएगा दुश्मनी अमेरिका से, तो भैया हम लोग को शुरुआत में बीटो नहीं है मिला तो ठीक है, बवाल तो नहीं लिए कम से कम, और हमें बीटो के लिए टेंशन नहीं है क्योंकि दुनिया भारत को अपने फेवर में लाने के लिए आतुर है। फ्रांस कहता है भाई कहियो बीटो मारने का, मोदी जी देखिए आपको कहियो बीटो मारने का होगा हमको तुरंत फोन कीजिएगा, रात 2 बजे कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम सुबह उठते बीटो मार देंगे, बाद में पढ़ेंगे कौन प्रस्ताव था यहां पर। अब पुतिन मोदी जी को थैंक यू कह रहा है कि भाई G20 में हमरा बचा लिए, न तो कुल माथा नोच जाता समरा हाँ 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 करके पड़ जाता है यहाँ पे। मोदी जी क्या किए बचा लिए पुतिन को, पुतिन रूस ने हमेशा हमारे लिए बीटो किया है तो हम करें या हमारे लिए कोई और करे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा पाकिस्तान जाता है कहाँ पे, UNO में कि देखिए कश्मीर में ना लोगों से पूछिए, कश्मीर के लोगों से पूछिए कि कहाँ रहना चाहते हैं। अब भाई कश्मीर में ऐसा माहौल बना दिया ना पाकिस्तान, ऐसा माहौल बना दिया। देखिए कश्मीर में उसने क्या किया, जो भी आतंकवादी भेजा ना उसे लड़ने कम और धर्म के लिए ज्यादा भेज दिया, टोपी पहना के भेजा कि मरने वाले की जाति पता चल सके, जबकि तुम्हें लड़ने भेजना था तो सेना की वर्दी में भेजो, टोपी पहनाने की जरूरत, ताकि कश्मीर के अंदर एक मनोवैज्ञानिक खेल खेले और वो सफल हो गया खेल खेलने में। भारत को नामे नहीं बताना चाहिए था आतंकवादी सबका, नहीं समझ में आया, बॉडी पता नहीं कहां गया हमको क्या पता, अरे ना जलाओ ना दफनाओ हमको क्या पता, कोई मराया ही नहीं है काम खत्म यहाँ पे। तो पाकिस्तान अब भारत परेशान हो गया कि ससुर अगर UNO कह दिया कि कश्मीर में क्या कराओ जनमत संग्रह तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। अब भारत भागा रूस के पास कि महाराज वहां 370 लगा हुआ है, 370 रूस का आगे क्या जरूरत है, जनमत संग्रह करा लो लोगों को भर दो वहां पे। तो कहा कि महाराज वहां 370 लगा है, बाहर के लोग नहीं भर सकते हैं वहां पे, तो एक काम कीजिए आप तब तक बीटो मारते रहिएगा जब तक हम 370 नहीं हटा देते। तो इंदिरा गांधी कहीं क्या है महाराज रुकवाइए, रूस बीटो मार दिया, मोरारजी देसाई कहें रुकवाइए और रुकवा दिए, यहां पर गुजराल साहब गए उभी रुकवा दिए, अटल बिहारी वाजपेयी गए उभी रुकवा दिए, मोदी जी भी गए उभी रुकवा दिए। अब पुतिन का बहुत दिन हो गया है यहां पे, 370 हट गया, अब 370 हट गया। अब 30 से 40 साल बाद बाहर के बाहर भारत के बहुत सारे लोग कहाँ जाके बस जाएंगे, इसलिए लद्दाख के एरिया में देखिएगा टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, सबको कोच के भर देना है कहाँ लद्दाख में, और धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो करा लो जनमत संग्रह आ जाओ यहाँ पे, नहीं समझ में आया, ये प्लान बहुत दूर तक का है। आप पाकिस्तान के बिल्लो रानी को कौन चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, आओ कभी क्लास में तब बताते हैं तुम लोग यहां, हाँ हाँ खाली फोटो खिंचाने भर का वो जानता है यहाँ पर बात करता, कहियो लाहौर में क्लास लेने लायक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।